गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर चल रहा है फंक्शनल ग्रुप दैट कंटेनिंग ऑक्सीजन पार्ट फर्स्ट, और इसके अंतर्गत हम बात कर रहे हैं अल्कोहल्स की। अल्कोहल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज में हमने इस टाइप की रिएक्शंस डिस्कस कर ली है जिनमें इस बॉन्ड का और एच के मध्य के बंध का विदलन होता है। ये रिएक्शंस हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे ऐसी रिएक्शंस जिनमें अल्कोहल में सी और ओ के मध्य के इस बंध का डिसोसिएशन होगा, विदलन होगा, उन रिएक्शंस के बारे में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा जो सेकंड केमिकल प्रॉपर्टीज है, वे अभिक्रियाएं जिनमें OH इस बंध का विदलन होता है, टूटता है। मतलब विदलन का मतलब क्या है? टूटता है, विदलन होता है, उनके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो इसके अंतर्गत कुछ रिएक्शंस ऐसी आने वाली है जो अपन हेलो एल्केन में डिस्कस कर चुके हैं। हेलो एल्केन में वो रिएक्शंस क्या होती थी? केमिकल प्रॉपर्टीज होती थी, और यहाँ पे वे मेथड्स ऑफ फॉर्मेशन होता था, और यहाँ पे वही रिएक्शन क्या हो जाएंगी? केमिकल प्रॉपर्टीज हो जाएंगी। ठीक है, तो चलिए बात कर लेते हैं। सबसे पहले हमने अल्कोहल ले रखा है फर्स्ट रिएक्शन, फर्स्ट टाइप। इसमें सेकंड में अपन डिस्कस कर रहे हैं हैलोजन अम्लों के साथ। फर्स्ट हैलोजन अम्लों के साथ, याद आता होगा आपको शायद, आप हेलो एल्केन में डिस्कस कर चुके हैं। मान लीजिए आपके पास में एक अल्कोहल है और आप इसकी रिएक्शन अगर हैलोजन अम्ल यानी हाइड्रोहेलिक अम्ल के साथ कराते हैं तो क्या होगा? यहाँ पे ये OH और H किसका फॉर्मेशन कर लेगा? H2O का, यानी H2O यहाँ पे रिलीज हो जाएगा और प्रोडक्ट बनेगा आपका RX, एल्किल हैलाइड। यानी यही रिएक्शन जो अपनी हेलो एल्केन में मेथड ऑफ फॉर्मेशन थी वो यहाँ पे केमिकल प्रॉपर्टीज बन जाती है। कहने का मतलब है अल्कोहल की रिएक्शन जब हैलोजन अम्लों के साथ करवाई जाएगी तो एल्किल हैलाइडों का निर्माण होगा। ठीक बात है। अब यहाँ पे कुछ रिएक्शंस अपन डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, मान लीजिए आपने ले रखा है एथेनॉल ले रखा है। इस एथेनॉल की रिएक्शन अपन वेरियस हाइड्रोहेलिक एसिड से करा देते हैं। हम यहाँ पे HCl ले लेते हैं, HBr ले लेते हैं और HI ले लेते हैं। तो HCl के मैटर में क्या होगा? H और OH क्या बना लेगा? H2O, C2H5 से कौन जुड़ेगा? Cl, C2H5Cl plus H2O। ठीक है, इसके पश्चात यहाँ पे क्या बनेगा? C2H5, यहाँ पे OH और H क्या बना लेंगे? H2O, और क्या बनेगा प्रोडक्ट? C2H5Br plus H2O। और इसी प्रकार से HI के साथ जब रिएक्शन कराएंगे तो सेम प्रोडक्ट C2H5I प्लस H2O का निर्माण होगा। ठीक है, तो आप अल्कोहल से जब हाइड्रोहेलिक अम्लों की रिएक्शन कराएंगे या हैलोजन अम्लों की रिएक्शन कराएंगे तो एल्किल हैलाइडों का निर्माण होगा, जो कि इस प्रकार से यहाँ पे अपन इसको शो कर सकते हैं। एवर रिमेंबर, एल्कोहल हैलोजन अम्ल या हाइड्रोहेलिक अम्लों के साथ रिएक्शन करके एल्किल हैलाइड बनाएगा। अल्कोहल की जब भी आप रिएक्शन HX के साथ में या हैलोजन अम्लों के साथ में या हाइड्रोजन हैलाइड के साथ में या मैं कहूँ हाइड्रोहेलिक अम्लों के साथ में कराएंगे तो एल्किल हैलाइडों का निर्माण होगा। दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी देयर, दिस बॉन्ड इज डिसोसिएट, सी और ओ के मध्य का बंध विदलन हो रहा है। ठीक है, इज दैट क्लियर? ओके, नेक्स्ट रिएक्शन हम बात करेंगे फास्फोरस के हैलाइड के साथ में। ठीक है, फास्फोरस हैलाइड के साथ में ये रिएक्शन भी नॉन रिएक्शन है। यहाँ पे सबसे पहले अपन फास्फोरस के हैलाइड के साथ में सेकंड फास्फोरस हैलाइड के साथ में अब फास्फोरस हैलाइड की बात करें तो फास्फोरस हैलाइड हम दो प्रकार के लेते हैं, एक तो ट्राई हैलाइड और एक पेंटा हैलाइड। तो ट्राई हैलाइड की सबसे पहले अपन बात कर लें, ए टाइप ले लेते हैं अपन फास्फोरस ट्राई हैलाइड। फास्फोरस ट्राई हैलाइड मीन्स PX3। इसके साथ किस प्रकार से रिएक्शन होगी? और PX3 में मैं यहाँ एग्जांपल ले रहा हूँ PCl5 का। ठीक है, रिएक्शन करवा देते हैं अल्कोहल के साथ में, क्या यहाँ पे रिएक्शन होने वाली है। मान लीजिए आपने एथेनॉल ले रखा है C2H5OH PCl
थ्री, सॉरी फाइव नहीं, थ्री, ट्राई हेलाइड लिया ना अपने, पीसीएल थ्री होगा यहाँ पे, पीसीएल फाइव नहीं होगा, बाई मिस्टेक लिख दिया गया था। तो पीसीएल थ्री से कैसे रिएक्शन होगी, देखिए ध्यान रखिए, फास्फोरस की नेचर है ऑक्सीजन बाहर निकालना। जब भी आप पीसीएल थ्री लेंगे अगर हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो एक कन्फर्म प्रोडक्ट जो बनेगा वह होगा एच थ्री पी ओ थ्री। अगर आपने PCl3 ले रखा है, अगर आपके रिएक्टेंट में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो आपका एक कंफर्म प्रोडक्ट H3PO3 होगा, ये बात यहाँ पे तय रही। अब देखिए यहाँ पे देखिए, ऑक्सीजन कितना है एक, हाइड्रोजन कितना है एक, जबकि अपने प्रोडक्ट में कितने हाइड्रोजन है तीन और ऑक्सीजन भी कितने हैं तीन, यानी कि अपने को यहाँ पे एथेनॉल के कितने मॉलिक्यूल्स लेने पड़ेंगे, तीन मॉलिक्यूल्स लेने पड़ेंगे, C2H5OH और इसकी रिएक्शन करा दीजिए फास्फोरस ट्राई हैलाइड के साथ में। इसको यूं लिख दिया फास्फोरस ट्राई हैलाइड PCl3। अब देखिए ये तीन एच एक पी और तीन ओ, इसने आपस में मिलके किसका फॉर्मेशन करा, ये क्या बन गया H3PO3 और साथ में यहां पे इन बॉन्ड का डिसोसिएशन हुआ और प्रत्येक बॉन्ड जो विदलिन हुआ वहां पे जाके कौन जुड़ गया, ये क्लोरीन इस C2H5 के पास चला गया, ये क्लोरीन यहां पे आ गया, ये यहां पे, तो फाइनल प्रोडक्ट होगा थ्री मॉलिक्यूल्स C2H5Cl। ध्यान रखिएगा PCl3 के साथ में यदि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो ये प्रोडक्ट आप कंफर्म बनाएंगे, यहां पे प्रोडक्ट क्या बना है एथिल क्लोराइड, किसका निर्माण होगा एथिल क्लोराइड और रिएक्शन किससे करा रहे हो आप, एथिल एल्कोहल, किसके साथ रिएक्शन हो रही है एथिल एल्कोहल के साथ रिएक्शन हो रही है। बात आ गई समझ में, ओके बहुत बढ़िया, वेरी गुड। आगे इसके पश्चात हम नेक्स्ट रिएक्शन PCl5 के साथ करा के देख लेते हैं, यानी ट्राई हैलाइड की जगह दिस टाइम क्या ले लेते हैं, पेंटा हैलाइड। ये देखिए फैक्ट ध्यान रखने, आपने याद रखोगे तो आपके लिए काम इजी हो जाएगा कि PCl3 लिया है तुरंत आ जाना चाहिए, क्या हाइड्रोजन ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो H3PO3 को प्रोडक्ट यहां पे बनने वाला है PX3 और PX5, PX5 और यहाँ पे अपन एग्जांपल लेंगे PCl5, फास्फोरस पेंटा क्लोराइड, ठीक है। इसकी रिएक्शन भी हम किससे करा दें, एथेनॉल के साथ करवा दें, C2H5OH प्लस PCl5। अब PCl5 के मैटर में आपने क्या ध्यान रखना है, अगर PCl5 आपने रिएक्टेंट ले रखा है, अगर आपके रिएक्टेंट में ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो एक कन्फर्म प्रोडक्ट बनेगा POCl3, POCl3। अगर आपके रिएक्टेंट में हाइड्रोजन प्रेजेंट है, आपने PCl5 ले रखा है, तो एक और कंफर्म प्रोडक्ट बनेगा HCl, ठीक है। और O भी गया, H भी गया, कितने C काम में आ गए, कितने Cl काम में आ गए, तीन रेक चार, बचा कितना Cl एक, तो प्रोडक्ट होगा C2H5Cl, एथिल क्लोराइड का निर्माण होगा। आपने क्या ले रखा है रिएक्टेंट, एथिल एल्कोहल और प्रोडक्ट क्या बन गया एथिल क्लोराइड, ठीक है। कैसे बना देख लीजिए, C2H5OH, PCl5 को अपन यू लिख सकते हैं, P एक Cl, दो Cl, तीन चार पांच, ये देखिए ये क्या बना लेगा C2H5Cl, HCl, पी ओ कितने सी एल तीन, पी ओ सी एल थ्री, तो एथेनॉल से रिएक्शन कराएंगे तो प्रोडक्ट बनेगा क्या एल्किल क्लोराइड और साथ में पी ओ सी एल थ्री और एच सी एल कन्फर्म प्रोडक्ट यहाँ पे बनने हैं, ये बात आप ध्यान में रखिएगा, ओके। आगे ये सारी रिएक्शंस प्री पढ़ी हुई है हमारी, उन्हीं को अपन यहाँ पे रिपीट कर रहे हैं। आगे हम बात करते हैं, रिएक्शन करवाएंगे अपन, थर्ड रिएक्शन है हमारी थायोनिल क्लोराइड, थायोनिल क्लोराइड। क्या थायोनिल क्लोराइड किसी नेम्ड रिएक्शन में यूज होती है, बिल्कुल होती है। थायोनिल क्लोराइड का केमिकल फॉर्मूला क्या है, SOCl2। क्या किसी नेम्ड रिएक्शन में यूज होती है, होती है। कौन सी रिएक्शन में, डार्जेन अभिक्रिया, डार्जेन अभिक्रिया, और इसी डार्जेन अभिक्रिया के बारे में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। कैसे, जब एल्कोहल्स की रिएक्शन थायोनिल क्लोराइड के साथ में पीरीडीन में करवाई जाती है तो प्रोडक्ट बनता है RCl SO2 plus HCl।
इसे कहते हैं डार्जेन अभिक्रिया। एल्कोहल की रिएक्शन थायनिल क्लोराइड के साथ करा रहे हैं, प्रोडक्ट बन रहा है एल्किल क्लोराइड SO2 प्लस HCl। कैसे बनता है देख लीजिएगा, ROH SOCl2 को कैसे लिख सकते हैं अपन, SOCl Cl, ये लो। R और Cl क्या बना लेगा, RCl एल्किल क्लोराइड, एक सल्फर का मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन के दो बॉन्ड टूट गए, सल्फर के भी दो बॉन्ड टूट गए, सल्फर ने डबल बॉन्ड किसके साथ बना लिया, ऑक्सीजन के साथ में, क्या बना SO2 और ये HCl। ये आपकी डार्जेन अभिक्रिया, जिसको यहाँ पे अपन ने एज ए केमिकल प्रॉपर्टी बताया है, जबकि यही अपने एल्किल हैलाइड में क्या थी, मेथड ऑफ फॉर्मेशन। ठीक है, ओके, आगे हम फोर्थ मेथड बात करेंगे यहाँ पे, अमोनिया के साथ रिएक्शन। अमोनिया के साथ रिएक्शन किस प्रकार से करता है देखिएगा, हमने ले रखा है एल्कोहल, फोर्थ रिएक्शन अमोनिया के साथ, अमोनिया के साथ ये रिएक्शन होती है निर्जल ZnCl2 एट 573 केल्विन टेम्परेचर। निर्जल ZnCl2 और 573 केल्विन टेम्परेचर पे रिएक्शन हुआ करती है। आपने ले रखा है एल्कोहल, रिएक्शन कराते हैं अमोनिया के साथ में। स्टूडेंट्स एक बात बताइए, एक तो चीज़ मैं बता दूं आपको, निर्जल ZnCl2 मोस्टली यूज जहाँ पे होता है वहाँ पे H2O रिलीज होता है। तो यहाँ पे इस NH3 जो मैंने लिखा है, क्या मैं इस NH3 को यूँ लिख सकता हूँ क्या, NH2 H और OH क्या बना लेंगे, H2O। देखिए बॉन्ड कौन सा डिसोसिएट हो रहा है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, निर्जल ZnCl2 573 केल्विन टेम्परेचर और प्रोडक्ट बन गया हमारा RNH2 प्लस H2O। देयर इज प्रिलिमिनरी अमीन, यहाँ पे किसका फॉर्मेशन हुआ, प्राथमिक अमीन का यहाँ पे फॉर्मेशन हुआ। बात आ गई समझ में, यानी अल्कोहल से मुझे ये कहा गया कि अल्कोहल से अमीन बना के दिखाओ, तो क्या अल्कोहल से मैं अमीन बना सकता हूँ। देखिए अमीन बनाने के लिए किससे रिएक्शन कराओ, अमोनिया से रिएक्शन कराओ, अमोनिया से रिएक्शन कराया, यहाँ से रिलीज क्या हुआ H2O और फाइनल प्रोडक्ट है हमारा प्राइमरी अमीन। इस प्रकार से हम बना सकते हैं। ठीक है, सिंपल है, कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है। क्या एल्कोहल से एल्किल हैलाइड बना सकते हैं, बना सकते हैं। कितनी प्रकार से, बहुत प्रकार से बना सकते हैं। जो हाइड्रोहेलिक अम्ल है उनसे बना सकते हैं, PCl5 PCl3 से बना सकते हैं, थायनिल क्लोराइड से बना सकते हैं। तो आप वेरियस मेथड काम में ले सकते हैं। क्या एल्कोहल से अमीन बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। जिस आप इस रिएक्शन को यूज़ करिए, अमोनिया के साथ रिएक्शन कराइए, आपका फाइनल प्रोडक्ट होगा अमीन। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं अपचेन। ये एक इम्पोर्टेंट रिएक्शन है, ध्यान रखिएगा क्या होता है इस रिएक्शन में, हम बात कर लेते हैं। हमने ले रखा है फिफ्थ रिएक्शन अपचेन, अपचेन। हमने एल्कोहल ले रखा है और हम एल्कोहल का अपचेन करा रहे हैं रेड फॉस्फोरस और हाइड्रोजन आयोडाइड। देखिए ये एक ऐसा रिएजेंट है, चाहे आप कुछ भी ले लो, ये उसे कहाँ पर ले जाके छोड़ेगा, एल्केन पे। आपने एल्कोहल लिया है तो भी एल्केन बनाएगा, कार्बोनिल लिया है तो भी एल्केन बनाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड लिया है तो भी एल्केन बनाएगा। यानी कुछ भी दे दो, ये रिएजेंट एल्केन का फॉर्मेशन ही करेगा, कोज दिस इज द स्ट्रॉन्ग रेड्यूसिंग एजेंट। ये एक प्रबल अपचायक है, जो भी आप इसको दोगे ये किसका फॉर्मेशन करेगा, एल्केन का फॉर्मेशन यहाँ पे करेगा। कैसे करेगा देखिए, RH+I2+H2 कैसे होती है रिएक्शन, मैं बता देता हूं आपको। ROH रिएक्शन करवा रहे हो आप हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ में, तो टू मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन आयोडाइड यूज होगा यहां पे। ठीक है, अब देखिए यहां पे ये आयोडीन है, ये तो इसका तो क्या होगा अपचेन, इसका क्या होगा ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण होगा। मींस यहाँ पे दो हाइड्रोजन प्रेजेंट है, दो हाइड्रोजन यहाँ पे ऑलरेडी प्रेजेंट है और एक ही ऑक्सीजन इसके साथ में क्रिया करके क्या बना लेगा H2। दो हाइड्रोजन प्रेजेंट है ना, और ये ऑक्सीजन इसका अपचेन हो रहा है, मींस इसमें से क्या रिलीज होगा, ऑक्सीजन रिलीज होगा। ऑक्सीजन का निष्कासन क्या कहलाता है, अपचेन। ऑक्सीजन का निकलना क्या कहलाता है, अपचेन। तो यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन निकली किसके पास गई, इन दो हाइड्रोजनों के पास, क्या बनाया H2। यहाँ पे क्या बचे, दो आयोडीन, दो आयोडीन ने मिलके क्या बना लिया I2 अणु, बचा क्या RH, और RH को क्या कहते हैं एल्केन।
तो इस रिएक्शन में किसका फॉर्मेशन होता है? एल्केन का रिएक्शन, एल्केन का निर्माण होता है। आपको कहा कि कार्बोक्सिलिक अम्ल से एल्केन बना के दिखाओ, क्या काम में लोगे? लाल फास्फोरस हाइड्रोजन आयोडाइड। आपको कहा कार्बोनिल से एल्केन बना के दिखाओ, क्या काम में लोगे? लाल फास्फोरस और हाइड्रोजन आयोडाइड। आपको कहा एल्कोहल से एल्केन बना के दिखाओ, किसको यूज करोगे? लाल फास्फोरस और हाइड्रोजन आयोडाइड को यूज आप करेंगे। तो यह एक महत्वपूर्ण रिएक्शन यहाँ पे बन जाती है, जिसके बारे में आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे सेकंड कैटेगरी हमारी कंप्लीट होती है, जिसमें अपन ये रिएक्शंस देख लेते हैं यहाँ पे। ओके, बात आ रही है समझ में? ध्यान में रखना है, प्रैक्टिस रखनी है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री प्रैक्टिस से ही आप लोगों की तैयार होने वाली है, ठीक है? ओके, नेक्स्ट रिएक्शंस अपन बात करते हैं, थर्ड कैटेगरी, वे अभिक्रियाएं जिनमें एल्किल तथा हाइड्रोक्सी समूह हैं भाग लेते हैं। ऐसी रिएक्शन जिसमें एल्कोहल का एल्किल और हाइड्रोक्सी दोनों समूह भाग लेंगे, ठीक है, उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो इसमें जो फर्स्ट रिएक्शन अपन डिस्कस करेंगे, वह डिस्कस करने वाले हैं अपन कॉन्सनट्रेट H2SO4 के साथ। कॉन्सनट्रेट H2SO4 के साथ रिएक्शन कैसे होगी? इस रिएक्शन को डिहाइड्रेशन या निर्जलीकरण भी बोलते हैं। ये रिएक्शन है डिहाइड्रेशन या निर्जलीकरण, ठीक है, इस तरह से। अब देखिए इस रिएक्शन में थोड़ा सा ट्विस्ट है, बोर्ड में पूछी जाती है और महत्वपूर्ण भी है। देखिए कैसे, हमने ले रखा है एथेनॉल C2H5OH और इसकी रिएक्शन हम करवा रहे हैं कॉन्सनट्रेट H2SO4 के साथ में एट द 413 केल्विन टेम्परेचर। फर्स्ट तो रिएक्शन ये वाली रही हमारी। सेकंड रिएक्शन हम देखते हैं C2H5OH एथेनॉल और रिएक्शन कराते हैं इसी कॉन्सनट्रेट H2SO4 के साथ में और टेम्परेचर इस बार हमने ले लिया 433 से 443 केल्विन। यहाँ पे इन दोनों रिएक्शन में हमसे पूछा जाए तो डिफरेंस किसका है? केवल टेम्परेचर का डिफरेंस है और टेम्परेचर का डिफरेंस ही यहाँ पे रिएक्शन को वेरिएबल बना देता है। इसमें प्रोडक्ट जो बनेगा वेरियस प्रकार का बनेगा, भिन्न प्रकार का प्रोडक्ट यहाँ पे बनेगा। तो यहाँ पे कितने मॉलिक्यूल्स काम में आएंगे? 2 मॉलिक्यूल्स एथेनॉल के काम में आएंगे और प्रोडक्ट बनेगा हमारा C2H5O प्लस H2O डाई एथिल ईथर। किसका निर्माण होगा? डाई एथिल ईथर का निर्माण होगा। जबकि इस रिएक्शन में अगर आपने टेम्परेचर ले रखा 433 से 443 तब आपका प्रोडक्ट बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2। अगर आपने टेम्परेचर कम ले रखा, देखिए एल्कोहल को आप कॉन्सनट्रेट H2SO4 के साथ रिएक्ट करा रहे हो, अगर लेस टेम्परेचर पे करवा रहे हो तो निर्जलीकरण अभिक्रिया तो होगी पर कम टेम्परेचर में 2 मॉलिक्यूल्स इसके काम में आएंगे। किस प्रकार से? देखिए इस रिएक्शन को मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। एक अणु और ये दूसरा अणु, ठीक है। अब इसमें से देखिए ये OH और ये H क्या बना लिया? H2O। क्या बना लिया? H2O। बचा क्या? C2H5। भाई दो कार्बन, उनको C2 बोल दो, इसको H5, C2H5, O, C2H5, ईथर। इस रिएक्शन में क्या होता है? देखिए आपने ले रखा है CH3CH2OH। क्या इस CH3CH2OH को यू लिख दें अपन? यहां OH लगा दें और यहां H लगा दें। अब आप ये रिएक्शन करा रहे हो 433 से 443 केल्विन टेम्परेचर पे, तो यहां पे ये H और OH मिलके क्या बना लेंगे? H2। इस कार्बन का ये बॉन्ड टूट गया, इस कार्बन का भी ये बॉन्ड टूट गया, दोनों कार्बन आपस में क्या फॉर्म कर लेंगे? डबल बॉन्ड। हमेशा आपको ध्यान रखना है कि
अल्कोहल के मैटर में दो टेम्परेचर है, एक लेस टेम्परेचर है, एक हाई टेम्परेचर है। ये लेस टेम्परेचर है, ये हाई टेम्परेचर है। लेस टेम्परेचर पे ईथर का फॉर्मेशन होगा, जबकि हाई टेम्परेचर पे एल्कीन का फॉर्मेशन होगा। यानी पहले ईथर बनेगा, फिर एल्कीन बनेगी। यही रिएक्शन एलुमिना के साथ भी हम आगे पढ़ेंगे, तो आपको ध्यान में रखना है। एट द लेस टेम्परेचर फॉर्मेशन ऑफ ईथर एंड एट द हाई टेम्परेचर फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन, ये आपको ध्यान में रखना है। कम टेम्परेचर पे ईथर का निर्माण होगा, जबकि हाई टेम्परेचर पे एल्कीन का निर्माण होगा। बोर्ड्स में ये क्वेश्चन पूछा गया है, आपको इनमें से कोई सी भी रिएक्शन दे देगा। अब आपको दोनों साथ में थोड़ी दी जाएगी कि आप लेस और हाई देख लेंगे, दोनों साथ में आपको एक रिएक्शन दे दी, आपको केवल ये वाली रिएक्शन दे दी, प्रोडक्ट पूछा। अब वहाँ पे तो आपको केवल 413 मिला, ये तो मिला ही नहीं। तो आपको ध्यान में रखना है कि एट द 430 केल्विन फॉर्मेशन ऑफ ईथर, 413 केल्विन ताप पे ईथर का निर्माण होगा, जबकि 433 से 443 केल्विन पे एल्कीन का निर्माण होगा। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसलिए मैं आपको बार बार बोल रहा हूं। और यहां पे इस डिहाइड्रेशन की हमें मैकेनिज्म भी डिस्कस करनी है, और ये मैकेनिज्म आपसे एग्जाम में पूछी भी जा सकती है। तो देखते हैं मैकेनिज्म क्या है इस रिएक्शन की। चलिए मैकेनिज्म देखते हैं इसके, किस प्रकार से ये रिएक्शन हुआ करती है देख लेते हैं क्या होना है। देखिएगा, सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में आपने H2SO4 ले रखा है इस रिएक्शन में। H2SO4 किस में टूटेगा, 2H+ या H+ HSO4- या 2H+ SO42-, यानी इस रिएक्शन में हमें क्या मिलेंगे, H+ आयन यहाँ पे प्राप्त होंगे। ठीक है, यहाँ पे हमें H+ आयन मिलने हैं, ये चीज यहाँ पे हमें पता चल गई। एसिड है तो क्या देगा, H+ देगा। तो फर्स्ट स्टेप अपन यहाँ पे देखते हैं, अपन ने क्या ले रखा है, एथेनॉल, एथेनॉल या एथिल एल्कोहल। तो डियर स्टूडेंट्स, क्या इस ऑक्सीजन के पास में लोन पेयर है, क्या है ना, इसके पास में लोन पेयर है। और अगर ये प्रोटॉन या H+ ऑक्सीजन इन लोन पेयर से एक्सेप्ट कर सकता है ना, कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। हमारा प्रोडक्ट आएगा CH3CH2OHH। अब ऐसा होने से क्या होगा, क्या इस ऑक्सीजन पे लोन पेयर पॉजिटिव चार्ज आ गया, आगे ना, क्योंकि ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई, इलेक्ट्रॉन घनत्व कम हो गया, इसलिए इस पे पॉजिटिव चार्ज आ चुका है। अब आप मुझे बताइए कि ऑक्सीजन इज द हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऑक्सीजन तो एक उच्च विद्युत ऋणी है, तो इस पॉजिटिव चार्ज को क्या है लंबे समय तक कैरी करेगा, नहीं करेगा। तो इसके लिए सेकेंड स्टेप में क्या करने वाला, देखिए इसकी करतूत आप, CH3CH2O, इसको OH2 साथ में लिख दूं मैं, O पे पॉजिटिव। O क्या करेगा, इस वाले बॉन्ड को जो कार्बन और ऑक्सीजन की दोनों की इसमें भागीदारी है, तो ये पूरा का पूरा युग्म ऑक्सीजन, पूरा पेयर ऑक्सीजन अपनी तरफ लेके किसका फॉर्मेशन कर लेता है, H2O का, किसका निर्माण कर लेता है, H2O का। और भुगतना किसको पड़ा, कार्बन को, कार्बन पे कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव। ध्यान देना मेरी बात की तरफ, ऑक्सीजन अगर ये पूरा पेयर ले जाता है तो कार्बन पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो कार्बन पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, यानी किसका निर्माण हुआ, इसको क्या कहते हैं, ऑक्सोनियम आयन, ऑक्सोनियम, ईएम का मतलब पॉजिटिव, किस पे, ऑक्सीजन पे, इसलिए ऑक्सोनियम आयन। यहां पे क्या बना, कार्ब धनायन, कार्ब धनायन। क्या इस निर्जलीकरण अभिक्रिया में कार्ब धनायन का निर्माण हो रहा है, ये कौन सी रिएक्शन पढ़ रहे हैं अपन, एट द 433 से 443 केल्विन पे। ठीक है, 433 से 443 पे जो रिएक्शन हो रही है उसके बारे में बात करें, कार्ब धनायन का निर्माण हो रहा है। और कार्ब धनायन में कौन सा कार्ब धनायन स्टेबल होता है, टर्शरी। तो यदि आप तृतीयक अल्कोहल लेंगे तो इस रिएक्शन की रिएक्टिविटी ज्यादा होगी, और प्राथमिक लेंगे तो कम होगी। रीजन है इस कार्ब धनायन का स्थायित्व। आगे क्या इसे अपन खोल के लिखे, तो इस प्रकार से लिखते हैं इसे प्लस। अब देखिएगा, यदि इस युग्म पे आप ध्यान दो,
एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का, एक हाइड्रोजन का है। यदि यहाँ से H प्लस बाहर निकल जाए, यदि H प्लस यहाँ से रिलीज होता है, तो क्या H प्लस यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा? क्या नहीं लेके जाएगा, H प्लस तो बाहर गया। तो अब ये कार्बन क्या करेगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, कार्बन कार्बन के बीच में शिफ्ट हो जाएगा, बाहर क्या निकला एच प्लस। और कार्बन कार्बन के बीच में अगर शिफ्ट हो गया, ऐसे लिखते हैं अपन, डबल बॉन्ड किसका निर्माण हुआ, एल्कीन का। वेरी वेरी मोस्ट मैकेनिज्म है, इसके बारे में आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में पूछी जा सकती है। किसका निर्माण हो रहा है, एल्कीन का। जब आप अल्कोहल की रिएक्शन 433 से 443 केल्विन टेम्परेचर पे कॉन्सनट्रेट H2SO4 के साथ में कराएंगे, तो एल्कीन का निर्माण होगा। एथेनॉल था, एथेनॉल ने H प्लस एक्सेप्ट किया, ऑक्सोनियम आयन का निर्माण किया, ऑक्सोनियम आयन में ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, इसलिए ऑक्सीजन ने ये पूरा का पूरा युग्म लेके अपना पॉजिटिव शांत कर लिया, H2O के रूप में अलग हो गया। बट इस तरीके से, इस क्रम से इस कार्बन को भुगतना पड़ा और कार्बन पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। अब इस पे जो आवेश आ रखा है उसके लिए बलिदान कौन देगा, ये हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन कह रहा है आप खुश रहिए, मैं H प्लस के रूप में निकल जाता हूँ, मेरे पास जो एक ही इलेक्ट्रॉन था वो भी आप रख लीजिए और अपनी संतुष्टि कर लीजिए। तो एटलीस्ट यहाँ पे एल्कीन का फॉर्मेशन होता है और बेचारा H प्लस यहाँ पे बाहर निकल जाता है, फॉर्मेशन हुआ है एल्कीन का। ठीक है, इस प्रकार से रिएक्शन होती है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ध्यान में रखिएगा। जैसा कि आपको पता है यहाँ पे किसका फॉर्मेशन हो रहा है, क्या बना है, एल्कीन, एथीन। कार्बधनायन का निर्माण हो रहा है, तो कार्बधनायन का स्टेबिलिटी यहाँ पे प्रीफर करेगा। तो इस रिएक्शन की रिएक्टिविटी की अगर अपन बात करें, हमसे पूछ ले कि जो 433 443 केल्विन ताप पे निर्जलीकरण अभिक्रिया हो रही है उसकी क्रियाशीलता का क्रम आप क्या दोगे, मैं आपको दे रहा हूं टर्शरी एल्कोहल, सेकेंडरी एल्कोहल और प्राइमरी एल्कोहल। तो आप इनकी रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या बताएंगे, तो देखिए मैं अपन कहेंगे कि इस रिएक्शन में क्या बन रहा है, कार्बधनायन बन रहा है, और विच कार्बोकेटायन इज मोस्ट स्टेबल, देन आर आंसर इज टर्शरी कार्बोकेटायन इज मोस्ट स्टेबल। और टर्शरी कार्बोकेटायन किससे मिलेगा, टर्शरी एल्कोहल से। तो इस रिएक्शन की रिएक्टिविटी क्या होगी, टर्शरी एल्कोहल इज मोस्ट रिएक्टिव फॉर डिहाइड्रेशन, देन सेकेंडरी और आफ्टर दिस प्राइमरी एल्कोहल। ये वाला जो क्रम है आपको ध्यान में रखना है, ये घटता हुआ क्रम है, किसके लिए, निर्जलीकरण अभिक्रिया के लिए घटता हुआ क्रम हमने यहाँ पे शो कर दिया है। बहुत ही एकदम इजी टॉपिक है, कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, आप इसको ध्यान से पढ़िए, प्रैक्टिस करिए। अब आगे कह रहा है एक चीज इसने कही कि अगर दो प्रकार की एल्कीन बनने की संभावना हो तो क्या करें। देखो दो प्रकार के एल्कीन बनने की संभावना होते उछल के बीच में कौन कूदता है, सैतजेव। सैतजेव कहता है कि अब मैं बताऊंगा आपको कि कौन सी एल्कीन बनेगी। जैसा कि मैंने बताया था कि यदि किसी एलिमिनेशन रिएक्शन में, विलोपन अभिक्रिया में दो प्रकार की एल्कीन बनने की संभावना हो, तो वह एल्कीन अधिक मात्रा में बनेगी जिसमें द्विबंध से बंधित कार्बन से कम संख्या में हाइड्रोजन या अधिक संख्या में प्रतिस्थापी जुड़े हुए हों। तो यहाँ पे देखिए एक एग्जाम्पल लेते हैं अपन, CH3, CH2, CH, OH, CH3 और रिएक्शन कॉन्सनट्रेट H2SO4, टेम्परेचर 433 to 443 केल्विन। ओके, अब देखिए OH तो ये निकलेगा तय है, पर हाइड्रोजन या तो ये वाला निकले या ये निकले। पहले अपन ये हाइड्रोजन निकाल के देख लेते हैं, तो प्रोडक्ट क्या लिखेंगे, CH3 का CH3, CH2 का CH2, यहाँ से बाहर क्या निकल गया OH तो CH, यहाँ से बाहर क्या निकल गया H तो CH2, और कार्बन कार्बन ने क्या बना लिया, डबल बॉन्ड। क्या बना, ब्यूट वन इन। सेकंड कंडीशन, इस हाइड्रोजन को निकाल देते हैं CH3, यहाँ से क्या बाहर निकल गया हाइड्रोजन CH3। भाई यहाँ से हाइड्रोजन निकल गया, यहाँ से OH निकल गया, तो यहाँ पे दो थे, कितना बचा, एक। यहाँ पे OH था वो तो निकल चुका है, तो क्या बचा CH, दोनों ने डबल बॉन्ड बना लिया, ब्यूट टू इन। कौन सी ज्यादा बनेगी, द्विबंध से बंधित कार्बन से जहां कम हाइड्रोजन होंगे, यहां पे दो और एक तीन हाइड्रोजन है, जबकि यहां पे कितने हैं, दो ही हाइड्रोजन है, तो ये होगा हमारा मोस्ट प्रोडक्ट, अधिक मात्रा में ये प्रोडक्ट हमारा बनेगा। ठीक है, आ रही है बात समझ में, ओके।
तो गाइज इस क्लास में इतना ही, मिलेंगे अगली क्लास में। इसकी प्रैक्टिस करते रहिए, रिपीट करते रहिए, याद करते रहिए, पढ़ने में अच्छा लगेगा। अगली बार जब अपनी क्लास शुरू होगी तो सारी रिएक्शंस पहले मैं आपको रिपीट करवा दूंगा और उसके बाद में अपन आगे की रिएक्शंस शुरू करेंगे। तो विश यू ऑल द बेस्ट, मिलेंगे अगली क्लास में। थैंक यू वेरी मच।